हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक आपके सामने नया चैप्टर लेके आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति की हिंदी में कहते हैं। 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमें आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना था, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे। इस चैप्टर के बाद हम वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर छोटा सा है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो पहले हम ये कंप्लीट करेंगे। तो स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइट एरिया में। तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए और लाइक और शेयर करिए, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति की केमिस्ट्री का ये चैप्टर, जिसमें हम किसी रिएक्शन का क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन की रेट पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट यानी दर, ठीक है, रेट पढ़ते हैं। रेट रेट मतलब उसको चेंज होने में टाइम कितना लगा। जैसे ए कोई प्रोडक्ट है, ए कोई रिएक्टेंट है, उसको पी प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगा, यही उस रिएक्शन की क्या है, रेट है। तो टाइम और सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, ए की कुछ कंसंट्रेशन होगी और पी की कुछ कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन पी में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगेगा, वही हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। और उस रेट पे, उस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा, इन सभी का क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, इन सभी का इफेक्ट देखेंगे। तो क्या बनी, रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी विद टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट, इन सभी का इफेक्ट मिला के जो चैप्टर हम तैयार होता है हमारा, उसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये तो होगी डेफिनेशन की बात, छोटी सी है। चलो अब हमें क्या करना है, देखो सारी जो रिएक्शन होती है ना, उसकी हम वेलोसिटी, मेन चीज हमें क्या है, रेट निकालनी है, रेट या वेलोसिटी, ठीक है। इस रेट या वेलोसिटी के लिए हमें रिएक्शन को स्टडी करना पड़ेगा, रिएक्शन कैसी है, मतलब हमें टाइम का पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम में हो रही है। तो इसके बेसिस पे हमारी रिएक्शनें होती है तीन टाइप की, वेरी फास्ट, दूसरी वेरी स्लो, तीसरी मॉडरेट। देखो अगर हमें कोई रिएक्शन स्टडी करनी है तो हमें उस वो प्रॉपर दिखनी चाहिए, कि मतलब उसमें हमें ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कि हाँ हमने ये रिएक्टेंट लिया है और इतने टाइम बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है, और हमें बनता हुआ दिखना भी चाहिए, ठीक है। दिखने का मतलब ऐसे नहीं कि हम मॉलिक्यूल को देख रहे हैं ऐसे आंखों से, ऐसे नहीं, मतलब उसमें हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार इतना टाइम लग रहा है इसमें, तो ये जेन्युइन टाइम है और हम इससे इसकी रेट निकाल सकते हैं, मतलब कि इतनी कंसंट्रेशन से इतना कैसे बना, ये कितने टाइम में बना। देखो वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब हो गया बहुत ही फास्ट, आपने प्लग झपकी और रिएक्शन खत्म, मतलब आपने दो कोई रिएक्टेंट लिए सॉल्यूशन और आपस में मिलाया, उसकी रिएक्शन करवाने के लिए आपने थोड़ा सा इधर देखा और रिएक्शन होगी समाप्त, तो आप उसकी रेट कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो कुछ सेकंड में, मिनी सेकंड लगते हैं, आपने प्लग झपकाई और रिएक्शन होगी कंप्लीट, मिनी सेकंड्स में कंप्लीट। ऐसी इसे एग्जांपल क्या है, आयोनिक रिएक्शन इसका एग्जांपल होता है। क्या होता है, देखो AgNO3 प्लस AgNO3 प्लस आपका मान लो HCl, ठीक है, क्या बनेगा, ये क्या है, एक आयनिक रिएक्शन है, इससे क्या बनेगा, AgCl प्लस HNO3, ये बना, कैसे बना,
देखो Ag ये क्या होता है, Ag प्लस अर्जेंटम सिल्वर, NO3 नाइट्रेट माइनस, ठीक है, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। ये प्लस वाला इस माइनस के साथ चिपक गया और ये प्लस वाला इसके साथ चिपक गया, ये क्या होगी आयनिक रिएक्शन। ये क्या होता है पीपीटी होता है, पीपीटी मतलब जब आप टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को मिलाओगे ना, टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को मिलाओगे तो टेस्ट ट्यूब में जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी, तो ये थल्ले में बैठ जाएगा। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपने दोनों ऐड किया तो AgCl बनेगा ना ऐसे, व्हाइट पीपीटी नीचे बैठ जाएगा। पीपीटी मतलब प्रसिपिटेशन, जो नीचे बैठ जाए थल्ले में AgCl, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितनी भी आयनिक रिएक्शन है वो मिनी सेकेंड में होती है, मिनी सेकेंड, टाइम गैप होता ही नहीं है उसके अंदर, टाइम गैप नहीं होता। चलो तो इनको हम स्टडी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसमें टाइम ही नहीं मिलेगा। दूसरी वेरी स्लो, वेरी स्लो कौन सी होती है? देखो कोई रिएक्शन है मान लो, उसमें 2 साल लग गए, बताओ उस पर हम बैठे रहेंगे, उसको हम लैब में लेके बैठे रहेंगे, नहीं कर पाएंगे उसकी स्टडी, क्योंकि उसका टाइम इतना ज्यादा है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, 2 साल हम और काम कर लेंगे तो उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। जैसे वेरी स्लो में कौन सी आ गई, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, तो ये क्या है, आपने देखा होगा जैसे लोहे की रोड या लोहे का कोई भी सामान बाहर रह जाता है तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑन आयरन। क्या होता है, जैसे Fe है सॉलिड बाहर, Fe मतलब आयरन, कुछ भी मान लो, रोड मान लो या लोहे की कोई भी चीज मान लो, वो क्या है बाहर, क्या है ऑक्सीजन तो होती है एनवायरमेंट में, और वो H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, Fe2O3.3H2O, ठीक है, Fe2O3.3H2O। जो लोहे के ऊपर जो परत आती है ना, जैसे ये कोई लोहे की रोड है, स्मूथ है एकदम, ठीक है, प्योर लोहा है, और इस पर मतलब जंग लगने के बाद कैसी हो जाती है, ये ऐसी रफ जैसी हो जाती है ना, उसके पपड़ियां उतरने लग जाती है, वो क्या होता है Fe2O3.3H2O, यही तो होता है। Fe सॉलिड, ऑक्सीजन कहाँ पे है, वातावरण में है ये, एनवायरनमेंट में, और H2O नमी के रूप में वातावरण में होता है। आपने देखा होगा जहां कहीं नमी आती है ना, वही उसी लोहे पे जंग आता है, उसी लोहे पे जंग आता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह पे होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, वेरी स्लो रिएक्शन। इसके एक दो एग्जाम्पल और हैं, जैसे रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2, ये क्या है हाइड्रोजन और ये क्या है ऑक्सीजन, तो एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है ही है वातावरण में, और वातावरण में हाइड्रोजन भी है, आपको पता ही है सबको, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है, एक मिनट, हाँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि वातावरण में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी, और दोनों मिलके पानी बन गया हो, आपने कभी ऐसा देखा है? या फिर आप ले लो मान लो हाइड्रोजन ले लो 1 लीटर और 1 लीटर ऑक्सीजन ले लो, दोनों को मिला दो, पानी बन गया हो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे ये सब संभव नहीं है, और ये सब कहाँ होता है, कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है, ठीक है, ये सब किस में होता है, कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है, और ये इनको बहुत सालों लगते हैं, बहुत स्लो रिएक्शन है। एक रिएक्शन और है, CO प्लस, एक मिनट, मिथाइल एल्कोहल, ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, ये भी बिना कैटलिस्ट के नहीं होगा। तो ये क्या है, सारी स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन के एग्जांपल है, नोट कर लो इनको, आते हैं ये कई बार, रस्टिंग ऑफ आयरन, H2O का बनना H2O प्लस O2 से CO, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना इनको, बैलेंसिंग सिखाई हुई है आपको, मैंने सिखा रखी है बैलेंसिंग, ठीक है। चलो नंबर 3, वेरी स्लो को भी हम स्टडी नहीं कर सकते, केमिकल काइनेटिक्स में
वेरी स्लो रिएक्शंस को भी हम स्टडी नहीं कर सकते। तो सर हम करेंगे किसको? हम करेंगे मॉडरेट को। मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? जो ना तो अधिक फास्ट हो और ना ही अधिक स्लो हो। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा टाइम लिमिट हो जिसमें हम इसको स्टडी कर सकें। जैसे आधा घंटा लगा, 10, 20, 25 मिनट लगा, ठीक है, ऐसे एक घंटा लग गया, दो घंटा लग गया, या फिर एक दिन लग गया तो भी हम कर सकते हैं। सालों साल लगेंगे तो हम नहीं बैठ सकते। या फिर बिल्कुल चुटकियों में हो गई, सेकंडों में होगी, सेकंड से क्या, सेकंड से कम में होगी, तो उसको भी स्टडी नहीं कर सकते। इसको हम स्टडी कर सकते हैं। जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना, मॉलिक्यूलर रिएक्शन ये क्या होती है? मॉडरेट होती है। मॉडरेट रिएक्शन होती है, लगभग कुछ कुछ को छोड़ के। जैसे ये क्या है? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। क्या ये एल्कीन है? एल्कीन। और ये क्या है? हाइड्रोजन। तो इसमें क्या है? थोड़ा बहुत टाइम लगता है जिसको हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। आणविक रिएक्शन जितनी भी होती है वो किस में आती है? इसमें, वेरी फास्ट रिएक्शन में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम आगे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप लगभग बता सकते हैं, जैसे एस्टर का जलीय अपघटन हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये सब किस में आते हैं? मॉडरेट रिएक्शन में आते हैं। तो इसमें आप तीनों को बस ध्यान में रखेंगे कि कौन सी रिएक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं। ये स्टडी के लिए बेस्ट होती है, स्टडी। इसी का हम जिक्र करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर पूरे में, ठीक है। चलिए, तो जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है उसको हम, जैसे एक दो एग्जांपल और लिख लो, N2+3H2 2NH3, ये क्या है? मॉलिक्यूलर है। और लिख लो CaCO3 CaO+O2, ये क्या है? सारे मॉलिक्यूलर ही तो है। H2O2 अपघटन हो गया, H2O+O2 2½O2, ये क्या है? बैलेंस कर लेना, जो बैलेंस नहीं बैलेंस कर लेना। क्या है? सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शन के ही तो एग्जांपल है, ठीक है। मॉडरेट, इसको हम सबको स्टडी कर सकते हैं, करते ही हैं भाई। एल्किन वाले को नहीं करते क्या? N2+3H2 को नहीं किया क्या? इसको नहीं किया क्या? इसको भी किया था, सबका किया था ना, इनका तो कईयों का तो सामने भी निकाला था, ठीक है। इसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन, देखो कोई भी रिएक्शन है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन के अभिकारक यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में की सांद्रता में, कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को यूनिटरी टाइम में होने वाले चेंज को क्या कहते हैं? रेट। क्या? ए है और इससे क्या बना? प्रोडक्ट बना। ए से जब पी बनेगा तो उसकी ए की कंसंट्रेशन लगातार कम होगी, पी की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगी। तो जितनी कम हुई या फिर जितनी बढ़ी, वो जो डेल्टा टी टाइम गैप के अंदर होगा उसी को हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? लिखो इसको, कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसको ऐसे लिख दो। ये क्या होती है? कंसंट्रेशन की टर्म में होती है ना, ए की कंसंट्रेशन। इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन या सांद्रता। क्या कहते हैं? सांद्रता।
ठीक है, और ये क्या है, और इसके प्रोडक्ट के संदर्भ में लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये, ठीक है, क्या हुआ ये माइनस और प्लस कैसे, रेट हमेशा किसमें होगी, पॉजिटिव होगी, रेट हमेशा क्या होगी, धनात्मक, लिख लेना ये, रेट ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगी। तो सर आपने ये नेगेटिव कैसे लगा दिया, नेगेटिव साइन का मतलब है ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है लगातार, ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और पी क्या है, पॉजिटिव साइन का मतलब पी हमेशा लगातार बढ़ रहा है, ए कम होगा तभी तो पी बढ़ेगा, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेना। ठीक है, नेगेटिव चिन्ह क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन जो है वो रेट को कम कर रहा है, कम होने का लगातार संकेत दे रहा है, और पॉजिटिव साइन जो है वो बढ़ने का साइन दे रहा है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी रेट की, यूनिट लिख सकते हो आप, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, क्या हुआ बताओ, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, और टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड, क्या बन गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये किसकी यूनिट आ गई, रेट की यूनिट आ गई, ये नोट कर लेना इसको और याद भी कर लेना, डायरेक्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट ऑफ यूनिट ऑफ रेट, डायरेक्ट सवाल आता है, दो तीन ऑप्शन रहेंगे ऊपर प्लस माइनस नीचे कुछ भी, हाँ तो इसको याद कर लेना। अच्छा हो गया, इतना समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। देखो मान लो, मान लो गैसियस रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है, गैसियस है, मतलब जो रिएक्शन कर रहा है वो क्या है, गैस है, कोई मान लो ए है, इससे क्या बना है बी, और ये क्या है गैसियस रिएक्टेंट है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो इसकी सांद्रता है ना, सांद्रता समानुपाती हो जाएगी प्रेशर के, मतलब जो काम कंसंट्रेशन करेगी वही काम इसका प्रेशर भी करेगा, कैसे, ये बुक क्या बोल दिया सर आपने, याद करो पिछले चैप्टर में हम केसी और केपी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, पी जो है वो कई बार कंसंट्रेशन के क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, और वो कैसे होगा, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, तो पी एन बाई वी और आर टी, एन बाई वी को क्या कहते हैं, P इक्वल टू सी आर टी, सी मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, तो R और T क्या है, फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, तो P किसके प्रोपोर्शनल हो गया, C के, ठीक है, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन यानी C है, तो C कई बार किसके हो जाता है, P के, तो गैसियस प्रोडक्ट में जितना प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ा मतलब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, तभी तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, गैसियस के लिए हम बोल सकते हैं ऐसा कि जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है, तो रेट को हम क्या लिख रहे थे, ये लिख रहे थे ना प्लस माइनस सी, और ये डेल्टा टी, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है, प्लस माइनस मैंने लगा दिया, प्लस किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, और माइनस किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस पी और डेल्टा टी, ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, जब ऐसे लिखेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, एटीएम सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, एटीएम पी एटीएम में, और डेल्टा टी किस में, सेकंड में, तो सेकंड नीचे से ऊपर जाएगी तो घात पावर जो है वो माइनस वन हो जाएगी ना, सेकंड की ऊपर जाएगी तो एटीएम सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये होगा। चलिए एक चीज और बताता हूं आपको, रिलेशन,
इसका एक रिलेशन और बता देता हूं कैसे। इतना नोट कर लिया था ना, पॉज करके कर लेना, ये तो आ गया। ठीक है, रेट क्या होती है, रेट क्या होती है कि प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी जो है ए के लिए बोल रहा हूं मैं, चलो माइनस ले लेता हूं ए के लिए। ठीक है, ए के लिए माइनस ले लिया मैंने, तो जो पी है कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो प्रेशर किसका आएगा, ए का ही प्रेशर आएगा, तो कैसे लिखेंगे, माइनस सॉरी सी जो है यहां से पी बराबर सी आर टी, तो सी बराबर क्या लिखेंगे, पी बाई आर टी, पी बाई आर टी, तो पी ऑफ ए माइनस बटे आर टी अपॉन डेल्टा टी, ये याद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। और जो इसका जो इसकी जो पूरे की यूनिट आएगी ना, वो क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये समझ में आ रहा है, ये कई बार ऐसे देगा आपको, आपको कंसंट्रेशन दे देगा और प्रेशर की टर्म में पूछेगा, कंसंट्रेशन दे देगा और प्रेशर की टर्म में पूछेगा, तब ये रिलेशन काम आएगा आपके। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये, मुझे तो कुछ ज़्यादा टफ लगा नहीं है, ज़्यादा करो तो इसको थोड़ा माइनस वन बाई आर टी बाहर निकाल दो और पी ए बाई डेल्टा टी कर दो, पी ए बाई डेल्टा टी, और इसको माइनस लगा दो, माइनस लग गया ना बाहर, सॉरी। ठीक है, ये आ गया। ठीक, ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलेशन खुद से बना सकते हो, तो इसको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आर की वैल्यू पता ही है 0.082 होती है, और टी जो है वो आप ले सकते हैं, केल्विन में लेना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नोट कर लीजिए इतना। हाँ जी, हो गया नोट, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलिए, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से आप करिए, समझिए, कोशिश करो कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, बताएं। कोई रिएक्शन है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू बी मान लो, उसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.01 एम, ये क्या है, मोलरिटी से चेंज होके 0.002 एम हो गई। ठीक है, और इसको टाइम कितना लगा, 18 मिनट। इस रिएक्शन को होने में टाइम कितना लगा, 18 मिनट। तो मुझे इस रिएक्शन की रेट बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, करो पॉज करके करो, बिल्कुल सिंपल सा है। ए की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, उसमें चेंज दिया हुआ है, कैसे होगा बताओ जल्दी, कैसे होगा बताओ। चलो देखो, सबसे पहले ए की दिया हुआ है तो डेल्टा सी लगेगा और डेल्टा टी लगेगा। ठीक है, डेल्टा ए मान लो, सी की जगह ए मान लो। ठीक है, रेट आर, और ए की है तो माइनस आगे आएगा। ठीक है, करो ए, डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम क्या है ये और प्रारंभिक क्या है ये, तो फाइनल ए टू मान लो और इनिशियल ए वन मान लो, और डेल्टा टी हमें पता ही है, ये माइनस आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करो, माइनस 0.008 ये पॉइंट, और एक माइनस क्या है बाहर है, और 18 मिनट, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कितना आएगा आंसर मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और,
27 डिग्री सेल्सियस पर एक कार्बनिक पदार्थ का हाइड्रोजनीकरण करने पर हाइड्रोजन गैस का दाब 40 मिनट में 2 एटीएम से घटकर 1.2 एटीएम हो जाता है, तो इस अभिक्रिया की दर बताइए। पहला एटीएम मिनट इनवर्स के पदों में, दूसरा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स के पदों में। ठीक है, करिए इसको, क्या करना है। क्वेश्चन तो आपने सुन ही लिया होगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक कार्बनिक पदार्थ का हाइड्रोजनीकरण करने पर हाइड्रोजन गैस का दाब 40 मिनट में घटकर 2 एटीएम से 1.2 एटीएम हो जाता है। अरे भाई, समझ में आ रहा है क्या, क्या चल रहा है रामायण? सिंपल है, क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा समझ में आता है, बीच बीच में क्वेश्चन इसीलिए तो मैं करवा रहा हूं। हाइड्रोजन गैस का दाब जो है, हाइड्रोजनीकरण किया है, मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये क्या है, रिएक्टेंट है। 2 एटीएम से घटकर कितना हो गया, 1.2 एटीएम हो गया। और इसमें टाइम कितना लगा, इस सारे क्रियाक्रम में टाइम कितना लगा, 40 मिनट लगा। तो मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट जो है वो कैसे डिसाइड होगी, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। माइनस बाहर फाइनल 1.2, इनिशियल 2 अपॉन मिनट कितने, 40। अच्छा, सवाल क्या था, पहला किसमें बताना है, एटीएम मिनट इनवर्स के पदों में, ठीक है, दूसरा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड मिनट इनवर्स के पदों में, ठीक है, दूसरा यही था ना, ठीक है यही था। अब इसको करो, क्या करोगे, माइनस तो बाहर है ही, 1.2 में से 2 गए, माइनस 0.8/40, इसको सॉल्व कर लोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8×5=40, 1/5 यानी 0.2 क्या आ गया, एटीएम मिनट इनवर्स। दूसरा अब काम आएगा, वो जो मैंने बताया था ना, उसमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, और हमें यूनिट ये पूछी हुई है, तो उसको कन्वर्ट करने की बजाय हम सीधा फॉर्मूले में रख देंगे, क्या रखेंगे, 1/RT और PH2/ΔT कर दो। 1/RT मतलब 0.0821, और टेम्परेचर जो था वो नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, 25 मतलब 298 डिग्री सेल्सियस, और 1/ और PH2 कितना है, -0.8, और डेल्टा टी कितना, 40। इसको सॉल्व करके मुझे बता देना, इसको सॉल्व करके मुझे बता देना, ठीक है, ये सॉल्यूशन तो कर लोगे ना, कोई खास बात नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक, बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की दर के प्रकार, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या मतलब हुआ इसका, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रोर, ठीक है, ROR, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम हमें दिया जाता है ना, उसके बेसिस पे हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, पहला तो ये कि हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, एवरेज, एवरेज कैसे, देखो जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, वो चल रही है 100 की स्पीड में, चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ, इस गाड़ी को 100 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगेगा, ठीक है, और हमें दूरी है मान लो 200 किलोमीटर दूरी है ये यहां से यहां तक, तो आपको पता है इस
इस स्पीड में अगर चलेगा ये बंदा 100 किलोमीटर पर आवर तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी क्या हमेशा ही होता है कि ये गाड़ी हमेशा 100 की स्पीड में नहीं चलेगी, बीच में कहीं ऐसा रास्ता आएगा जहां ये ब्रेक मारेगा और स्पीड इसकी हो जाएगी 80, कहीं फिर और ज्यादा ब्रेक आ गई, रोड ही खराब आ गई तो ये इसको चलना पड़ेगा 50, सामने ट्रैफिक आ गया तो ये 0 हो जाएगा कभी, ठीक है। मान लो रोड एकदम खाली है और एकदम चिकनी रोड है, साफ स्मूथ, तो ये कभी कभी क्या पता 120 भी कर ले स्पीड को, ठीक है, स्पीड बढ़ा भी देगा। रास्ता कितना है 200 किलोमीटर। तो हमें क्या है, लास्ट में देखा ये जहां से चला था ये क्या था, इनिशियल पॉइंट था और ये क्या था, फाइनल पॉइंट था। ये यहां से चला था तो मान लो शुरू में तो यही लग रहा था कि अगर 100 की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन इसको लग गए 3 घंटे 40 मिनट, इसको लगे 3 घंटे 40 मिनट। अगर इसको 3 घंटे 40 मिनट लग गए तो ये हमने क्या किया, एवरेज टाइम निकाल लिया, एवरेज टाइम निकाल के हम एवरेज स्पीड का भी पता कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का कैसे पता करेंगे, 200 में 3 घंटे और 40 मिनट का भाग दे दो, मान लो 4 घंटे लगे, सीधे सीधे इसको 4 घंटे लग गए तो 4 का डिवाइड कर दो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जहां लगने चाहिए थे हमारे इस स्पीड के अनुसार 2 घंटे, हमें लग रहे हैं 4 घंटे, और हमारी जो स्पीड रहनी चाहिए थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्पीड हमारी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। चलो देखो, मान लो इस स्पीड से ये चला ही नहीं होगा, शायद कहीं कहीं ये चला होगा, लेकिन एवरेज क्या आ रही है, 50 आ रही है। तो कोई रिएक्शन है ए जिसके मोल है 10 और बनाना है बी जिसके शुरू में मोल है 0, समझना 10 मोल है, हमें कोई कैटलिस्ट दिया हुआ है, एक पात्र है जिसमें 10 मोल है, भरा हुआ है पूरा ए से भरा हुआ है, ए में कुछ कैटलिस्ट मिलाया, रिएक्शन हुई फास्ट, पहले 1 मिनट में 5 मोल इसमें कन्वर्ट हो गए, ठीक है, 5 मोल इसमें कन्वर्ट हो गए, शेष कितने बच गए, 5, ठीक है, शेष कितने बच गए, 5, और इसमें टाइम कितना लगा, 1 मिनट लगा, ठीक, 1 मिनट। दूसरे मिनट में ए के मोलों की संख्या इसमें क्या हो गई, कम हो गई, और बी के मोलों की संख्या इसमें बढ़ गई, जो प्रभाव 10 मोलों पे हम कर रहे थे ए के, वो क्या हम 5 मोलों पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो 10 से 5 होने में टाइम लगा 1 मिनट, तो मान लो 5 से 2.5 होने में लग गया होगा 2 मिनट, या फिर इसको मान लो 1 मिनट और मान लो, या 2 मिनट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मिनट और इसको चेंज कितने का आया, 5 का चेंज कितने आया, 2.5 का, वही 1 मिनट 5 के चेंज में लग रहा है, वही 1 मिनट 2.5 के चेंज में लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, सांद्रता में फर्क पड़ने से ए की सांद्रता कम होने से रेट क्या हुई कम हुई, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। वही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे सांद्रता कम होती जाएगी वैसे वैसे रेट आपकी कम होती जाएगी। एक निश्चित समय अंतराल के लिए जब हम रेट का निर्धारण करते हैं तो उसको कहते हैं औसत, एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट क्या कहते हैं इसको, एवरेज रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एवरेज, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, किसकी, ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, आर एवरेज C2 - C1 / T2 - T1। C2 यानी फाइनल कंसंट्रेशन, C1 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, T2 फाइनल समय जहां पे हमें रोका गया, और T1 जहां से हमने शुरू किया, और ये प्लस, ठीक है, ये आएगा।
दूसरी दूर, अच्छा चलो बहुत ही अच्छी चीज बनाता हूं, ग्राफ। ग्राफ सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं, इसके नीचे लिखना ये अभिकारक यानी रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट। फॉर रिएक्टेंट कैसे बनेगा, इस पे मैं ले रहा हूं टाइम। आप सोच सकते हो क्या कि अगर ये वाला ग्राफ मैं बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा? जो मैंने आपको कंडीशन समझाई थी वो कैसे होगा? ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है, सांद्रता है ऊपर, ठीक है, ऊपर सांद्रता इंक्रीज हो रही है, ये टाइम है। देखो ये क्या है, जीरो। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, मैं कलरफुल चौक ले लेता हूं, एक सेकेंड। देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ये क्या है, जीरो। जीरो पे जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन हाई, टॉप पर, माना कि इतनी थी टॉप पर, ठीक है। और प्रोडक्ट हमें रिएक्टेंट के लिए बनाना है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगी, कम हो रही है, समय के साथ कम हो रही है, ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने, और एक ये पॉइंट ले लिया, नहीं तो समय वाले पॉइंट बढ़िया रहेंगे। मैंने इस समय पे मान लो ये क्या कोई है T1 है, और ये कोई है ये T2 है, अरे यार ये क्या है T2 है और ये क्या है T1, दो समय है, दो समय पे मैंने सांद्रता का अध्ययन किया, तो सांद्रता इसकी आई इतनी T1 पे और T2 पे आई इतनी, ठीक है, कितनी, ये T1 पे जो आएगी उसको C1 नाम दे दिया और T2 पे जो आएगी उसको मैंने C2 नाम दे दिया, ठीक है। इस कंसंट्रेशन में इतना चेंज, ठीक है, ये C1 थी ये C2 थी और टाइम गैप कितना, इतना। तो देखो C2 माइनस C1 करो इसके लिए, C2 माइनस C1, और T2 माइनस T1 क्या है, T2 क्या है बड़ा और T1 क्या है छोटा, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये नीचे वाली क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। C2 क्या है, C2 इज लेस देन C1, C2 क्या है छोटा, C1 क्या है बड़ा, मात्रा में दिख रहा है ना ऊपर, तो C2 माइनस C1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव जो मैंने बोला था कम होगा, और ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, और मैंने बोला था रेट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गया, ठीक है। कंसंट्रेशन ये यहां से चला था यहां तक पहुंचा। दूसरा ले लो प्रोडक्ट के लिए, ये इसके नीचे बनाते जाना ग्राफ दोनों, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, वही कंसंट्रेशन और वही टाइम, एवरेज टाइम ले लिया ना हमने T2 माइनस T1। देखो 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 एक चीज समझो, यहां पर देखना, यहां पर मैंने यहां से चला, यहां से सीधा स्लोप आ रहा है, फिर थोड़ा सा आगे हो गया झुक गया, मान लो स्लोप क्या हो गया, कम हो गया, फिर थोड़ा और आगे चला स्लोप और कम हो गया, और आगे चला और कम हो गया, और आगे चला और कम, यहां तो स्लोप क्या है, शून्य के बराबर है, स्लोप मतलब नाम मात्र का स्लोप है ही नहीं यहां पे, तो यहां देखो स्लोप कितना था, ढाल ढाल एकदम से था, और यहां आते आते कम हो गया कम हो गया कम हो गया, ठीक है, ये चीज याद रखना, मैं इसका काम लूंगा आगे, ठीक है। कंसंट्रेशन और टाइम, प्रोडक्ट शुरू में क्या होता है, जीरो, ये बनेगा, ये ग्राफ बनेगा प्रोडक्ट के लिए, कैसे बनेगा, देखो मैं कोई टाइम ले रहा हूं, यहां पे T1, यहां पे T1 और यहां पे T2, ठीक है, सही है ना, ये कंसंट्रेशन T1 पे C1 और T2 पे C2, ठीक है। लिखो इसके नीचे C2 माइनस C1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, C2 क्या है ज्यादा, C1 क्या है कम, और ये जब पॉजिटिव आएगा C2 माइनस C1 पॉजिटिव आ गया,
सी टू माइनस सी वन ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ये तो होती पॉजिटिव है, टी टू माइनस टी वन तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव तो इसके आगे पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, समझ गए। ये क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए हम प्लस लगाते हैं पहले से ही, और रिएक्टेंट के लिए हम माइनस लगाते हैं, तो माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, आप सोचना थोड़ा आ जाएगा आपको भी, ठीक है। और सी टू माइनस ये और टी टू माइनस टी वन ये तो होता ही पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बना और ये रिएक्टेंट के लिए बना, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आज एवरेज रेट पे हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ हम एक और एवरेज का तो पता लग गया हमें एक नंबर, और दूसरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेग, इंस्टेंटेनियस रेट, एक तो होगी एवरेज रेट और एक होगी इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक, उस पल पे कितनी रेट होगी, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, हम जो स्पीडोमीटर देखते हैं ना बाइक चलाते हैं, जब हम बाइक चलाते हैं और रेस देते हैं तो सुई क्या है चढ़ जाती है 60 पे, ठीक है, हम देखते हैं अभी क्या चल रही है 60, थोड़ी सी और रेस बढ़ाई क्या होगी 70, ठीक है, तो वो क्या है तात्क्षणिक, 60 और 70 क्या है तात्क्षणिक, मतलब आपने ब्रेक मारी, ब्रेक मारते आप 45 पे आ गए, फिर आप धीरे धीरे 30 पे आए, फिर आप 25 पे आए, फिर आप 20 पे आएंगे, फिर आप रुक भी जाएंगे, जीरो आ जाएगी, तो उस टाइम जब जीरो होगी तब आप देखेंगे मीटर को, तो उसकी इंस्टेंटेनियस रेट कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, जीरो, ठीक है, वही हमें यहाँ रिएक्शन में स्टडी करना है। जैसे इस टाइम गैप के लिए हमने टी टू माइनस टी वन ये इतना टाइम गैप हो गया, इसके लिए हमने रेट जो पढ़ी है इस वाले ग्राफ के लिए वो पढ़ी है एवरेज, ठीक है। अगले क्लास में बताऊंगा कि तात्क्षणिक के लिए हम, मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे रेट बताओ, इस पॉइंट पे रेट बताओ, वो होगी इंस्टेंटेनियस, वो कैसे होगी आप सोचना थोड़ा, तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, और आप बताते रहिए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं, जल्दी आएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।